चलो उठो, अब हम जैसा कहते हैं वैसा करो। हाँ, अब हाथ ऊपर करके नमस्ते करो। अब ये पैर उठाओ और दूसरे पैर में धर दो। गधा कहीं का। अरे गधों, कल हम यहां से छूट के चले जाएंगे, फिर हमरे पीछे जेल का कामकाज कैसे करोगे तुम लोग? अरे वो कहा है कि बाहर का प्रॉब्लम है ना, वो हम यहाँ बैठे बैठे सुलझा लेते हैं। रही बात जेल की, उसको संभालने के लिए हम सोच रहे हैं कुछ और दिन यहाँ रुक जाते हैं। क्या करे, हमारा आदत ही कुछ ऐसा है, जब तक सबका भला ना हो साथ नहीं छूटता है। वेरी गुड, ऐसे ही खड़े रहना जब तक हम अपना लंच निपटा के आते हैं। आने के बाद करेंगे बजरा सर। आओ दुल्ही, इमारत। हाँ, और यहां ये देखो, अच्छा सब्जी बनाने के लिए पहले सब्जी को अच्छा से काटना पड़ेगा। हाँ नहीं नहीं, इतना बड़ा छिलका नहीं, हल्का सा। अरे गजब, ये आज पासा कैसे पलट रहा है? हम तो साला ये वीडियो बहु इसलिए लाए थे कि ये अपनी सास की नहीं हमारी मदद करेगी, अपने ससुर की मदद करेगी, हमारा बिजनेस बढ़ाएगी, लेकिन लेकिन यहाँ तो सारा गुड़को पर हो रहा है। पिंटू जी, कितना अच्छा लग रहा है ना, माँ और कृष्णा एक साथ खाना बना रहे हैं। हाँ भाभी, हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है, दोनों एक दूसरे के साथ कितने अच्छे से। अब घर में सब कुछ धीरे धीरे अच्छा ही होगा। I love you. जाने यस पापा। पापा नहीं भनबोक्का, सिक्का ठकुराए। ओपन योर माउथ, ओपन योर माउथ। देखो बात याद रखना, जब सिक्का ठकुराइन कहे मुंह खोलो तो बस खोलो, और जब सिक्का कहे ना मुंह बंद तो ऐसे ही बैल की तरह पगुरी करते रहना।
आप भी टीवी आप करके कहाँ देख रहे हैं? जब मूड ही ऑफ हो तो टीवी ऑन करने का क्या फायदा? हम इतना नाटक किए कि सही में हमारा पेट में दर्द हो गया। तुम ऑफिस आई भी लेकिन हमारा सारा मेहनत फेल हो गया। I love you. का? का बोली? फिर से बोलो। I love you. ये सुनने के लिए हमारे कान तरस गए थे। जानते हैं कि आप ये सुन के हैरान हैं, लेकिन हम ये इसलिए बोले कहे कि आज हम आपको और भी बहुत ज्यादा प्यार करने लगे हैं। आपका वजह से आज हमको बहुत बड़ा सुख, बहुत बड़ा खुशी मिला है। हमारा वजह से? हाँ, और आपका मेहनत फेल नहीं हुआ, बल्कि आपका वजह से आज हम घर का परीक्षा पास कर लिए हैं। आज घर में सब कुछ कितना अच्छा हुआ, सब कितना खुश थे आपका वजह से। अच्छा है, हमारा वजह से घर में सब लोग खुश तो हैं, और इसी बहाने हमारा पत्नी को हम पे प्यार तो आया। जानते हैं बहुत दिनों बाद ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो रहा है। सांस ले ले अवलदार, नहीं तो यह मर जाएगा। तब तुम दुमल लिखे हम बीडीओ मैडम को का शिकायत करें? शिकायत बेटी जैसा कुछ जानवर होता है हमको पता ही नहीं, जो समझ में नहीं आ रहा का लिखे। ऊपर पकड़ेगा BDO मैडम, इस डिपार्टमेंट का उद्धार कैसे करना है ये हम खुद ही सोचेंगे। अगर किसी ने कोई भी शिकायत पेटी में डालने का जुर्रत किया तो उसका शिकायत लिखाने वाला कोई नहीं होगा, अंजाम वो सरेआम भुगतेगा।
हिम्मत किसका बढ़ गया है? ऐसे बदतमीजी करके चला जाता है और आप लोग कुछ नहीं करेंगे? इसका मतलब अब यहां ऑफिस में भी कोई भी धांधली करेगा और आप लोग खड़े रहकर देखते रहेंगे? कोई बताएगा हमको क्या हुआ? मैडम वो आपके केबिन में मैडम हम भी यहाँ आए हैं एक छोटी सी शिकायत लेके। सोचे कि क्या रोज रोज शिकायत पेटी में जाके शिकायत डाले, इसलिए आज डायरेक्ट मिलने चले आए। और वो शिकायत हमारा ये है कि जो बाहर आपका शिकायत पेटी टंगा हुआ है ना, वो हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या बोलती हैं? कल हट रहा है ना? श्यामलाल जी। जी मैडम जी। श्यामलाल जी, हमारे कुछ मेहमान आए हैं, उनके लिए जरा चाय पानी का बंदोबस्त कीजिए। जी मैडम जी। क्या है ना मैडम जी, कि चाय पानी तो हम कब हूं आके पी लेंगे, लेकिन हम यहां क्या कहने आए हैं वो पहले सुनिए। आप हैं महिला, ऊपर से वीडियो वीडियो ऑफिसर हैं, वाह। चम्मच चिलोही कड़ाही छोड़ के कलम पकड़ी हैं। अरे तो कलम चलाइए, गाड़ी पे घूमिए, जो करना है सब कीजिए, लेकिन जो ये फालतू का काम कर रही है ना, इसको बंद कीजिए। ऐसे एक बात कह देते हैं, ये जो जमाना है ना बहुत खराब है, बाकी आप खुदे बहुत समझदार हैं। चलते हैं। यहां आकर शिकायत पेटी पर
कुछ भी चिपका कर चला जाता है और आप लोग खड़े खड़े तमाशा देते रह जाते। आप लोग रोके काहे नहीं उनको, और अगर उन लोग जबरदस्ती कर रहा था तो पुलिस को काहे नहीं फोन किए? ऐसा बुजदिली से काम करने से अच्छा है कि आप लोग अपना अपना घर में बैठिए। किसना, मेरा मतलब मैडम, ये लोग बहुत खतरनाक है। इनसे दुश्मनी लेना मतलब सांप के बिल में हाथ डालने जैसा है। हम तो कहते हैं कि आप कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लीजिए और कहीं बाहर घुमाइए। आपका मशवरा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल जी। आपको डर लग रहा है ना, तो एक काम करें, अपना छुट्टी का अर्जी दे दीजिए, हम वो स्वीकार कर लेंगे। ऐसा सांप लोग के सामने बीन कैसे बजाया जाता है हमको बहुत अच्छा से आता है। मैडम जी, ऐसा ही कहा आपने, अब हम नहीं डरेंगे। अपना अभियान ना जोर शोर से चालू रखेंगे। मैडम हमें माफ कर दीजिए, हम डर गए थे। हम तो हमेशा से आपके साथ हैं। हम और चौबे जी अभी पुलिस में जाके रिपोर्ट लिखवा के आते हैं। चौबे जी चलिए। हाँ चलिए। हेलो कृष्णा, घर वापस आ जाओ। माँ जी सब ठीक तो है ना? कौनो सवाल मत करना, घर वापस आ जा। माँ जी हम अभी जरा अपना काम कर रहे हैं। हम जो कह रहे हैं सुनाई नहीं देता का? घर वापस आ जाओ अभी के अभी। जी गंगा देवी, बहुत बढ़िया बहुरिया लाए हैं, पीडीओ ऑफिसर। कौन बोल रहे हैं? अरे अब नाम जान के का कीजिएगा। अरे हम तो बस इसलिए आपको फोन किए हैं कि आप अपनी बहू को समझा लीजिए। अब ऐसे किसी को परेशान करेंगे तो पलट के जवाब देवी न करेगा। अब का पता ऑफिस से आते वक्त कुछ हो जाए या उससे जुड़ा हुआ किसी के साथ। अरे उनका हस्बैंड है चाहे आपका बेटा। का बकवास कर रहे हो? जानते हो किससे बात करने का जुर्रत कर रहे हो? टुनटुन सिंह की वाइफ, बबलू और पिंटू सिंह की माय, और बीडीओ कृष्णा राज की सासू माँ। आपको फोन किए हैं कि रोकिए अपना बहू को, बाकी कहीं ही लपेटे में आपका बेटा ना आ जाए। रखते हैं। हाँ हम नहीं निकलेंगे, लेकिन बात क्या है? हमने कहा ना घर से कोई बाहर नहीं जाएगा। क्या हुआ माँ? कृष्णा, कृष्णा तो ऑफिस में। कृष्णा माँ हुआ का? हेलो कृष्णा, घर वापस आ जाओ।
माँ जी सब ठीक तो है ना? हम कह रहे हैं ना कौनो सवाल मत करना, घर वापस आ जा। माँ जी हम अभी जरा अपना काम कर रहे हैं। हम जो कह रहे हैं वो सुनाई नहीं देता का? घर वापस आ जाओ अभी के अभी।